हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जॉन्टी गेमिंग। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप विदाउट टोकन सेफली अपने प्लेयर को रिवाइव कैसे दे सकते हैं टूर्नामेंट के अंदर। और गाइस, इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेटेजी भी बनाई है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इस स्ट्रेटेजी में गाइस, आप प्लेयर को किल भी कर दोगे और आपके चारों प्लेयर अलाइव भी होंगे रिवाइवल के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको वो समझ आ जाएगी। और मैंने दो टूर्नामेंट मैच ऐसे भी डाले हैं जिसके अंदर मैंने वो स्ट्रेटेजी यूज की है, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमसे आदित्य भाई ने पूछा था पिछली वीडियो के अंदर। उन्होंने हमसे पूछा था कि सोलो सर्वाइवर अगर हम बचते हैं तो विदाउट टोकन हम अपने प्लेयर्स को कैसे सेफली रिवाइव कर सकते हैं। तो अगर आपका भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर देना, मैं पढ़ूंगा और फिर अगर जो मुझे अच्छा लगेगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो आदित्य भाई के इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। और गाइस, मैंने एक स्ट्रेटेजी भी ऐड करी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एक भी पार्ट मिस करोगे तो आपको स्ट्रेटेजी समझ नहीं आएगी। तो चलो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। नीचे वो लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबा दो, एंड साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आ रही है सभी के सभी एक बार चेक करो। अगर आपकी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं है तो उसको ऑल पे कर लो, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले स्ट्रेटेजी की आपको करना क्या है। सो गाइस, इस स्ट्रेटेजी की शुरुआत यहाँ से होती है कि आपके जो तीन प्लेयर हैं उनको आपको ऐसी जगह लैंड करवाना है जहां पर पहले से कोई टीम उतरती हो, ठीक है। और आपको एक सेफ जगह लैंड करना है ताकि अगर वो मर भी जाते हैं तो आप उनको रिवाइव कर सको। इससे क्या होगा कि अगर आपके तीन प्लेयर ने उन चारों को मार दिया तो आपके पास चार किल भी आ जाएंगे और आपके प्लेयर अलाइव भी रहेंगे। बाई चांस अगर आपके प्लेयर मर जाते हैं उस फाइट में, तो आप तो सेफ जगह पे उतरे हुए हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस सेफ जगह से टोकन कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास 9 टोकन हो चुके हैं, तो मैं अपने दो प्लेयर को बहुत इजीली रिवाइव दे सकता हूँ और तीसरे प्लेयर को रिवाइवल पॉइंट से रिवाइव दे दूंगा। लेकिन आपने ये बोला था कि विदाउट टोकन कैसे रिवाइव देना है, तो सेफली कैसे रिवाइव देना है। अब देखो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक ऐसी जगह बैठूंगा जोन के बाहर, आप ध्यान देना, जोन के बाहर जहां पर रिवाइवल पॉइंट भी हो और एनिमी वहां से जा चुके हो। अब यहां पर देखो, कैराटोन में मैं यहां पर बैठा हुआ हूं जोन के बाहर। क्यों हम जोन के बाहर बोल रहे हैं, क्योंकि गाइस जोन के बाहर कोई एनिमी जल्दी नहीं आता है, सब सेंटर पकड़ के बैठ जाते हैं और कोई भी प्लेयर इतना पागल नहीं होगा कि वो अपना सेंटर का जोन छोड़ के जोन के बाहर आपको मारने आएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जोन के बाहर जो रिवाइवल होता है वहां से आप अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे, ये ध्यान रखना, जोन के बाहर। अगर आपने जोन के अंदर रिवाइवल देने का सोचा ना गाइस, तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो ये कि जब आप रिवाइव दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं एनिमी बैठे ही होंगे और वो जोन के सेंटर में ही होंगे, तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और जल्दी पहुंचने का मतलब है कि आप भी मरोगे और आप अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं दे पाओगे। तो ध्यान रखना, हमेशा आपको जो रिवाइवल देना है वो आपको जोन के बाहर देना है। गाइज, अब मैं आपको ऐसा मैच दिखाने वाला हूँ टूर्नामेंट का जहाँ पर हमने ये स्ट्रेटेजी यूज की है। आप यहाँ पर देखो, मेरा जो एक प्लेयर है, प्लेयर नंबर 2, वो यहाँ पर अलग गया है और हम तीन प्लेयर जो है क्लॉक टावर उतरे हैं ताकि हम तीन प्लेयर इन चार को मारे और किल ले सके। और अगर हम मर जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा प्लेयर नंबर 2 है वो हमें इजिली रिवाइव दे दे। सो गाइज, यहाँ पर मुझे P90 मिलती है और मैं एक प्लेयर को डैमेज देता हूँ, लेकिन सामने से उसका दूसरा प्लेयर आके मुझे मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिनिश हो जाता हूँ। उसके बाद जो मेरे बाकी के दो प्लेयर हैं जो क्लॉक टावर में उतरे थे, उन दोनों को भी डाउन मिलता है और वो भी खत्म हो जाते हैं। अकेला हमारा जो प्लेयर नंबर 2 है जिसको हमने सेफ जगह पे उतारा था, वो आराम से टोकन कलेक्ट करता है और गाइस मुझे रिवाइव देता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे दो प्लेयर मर चुके हैं। अब अकेला जो तीसरा प्लेयर वहां पे लड़ रहा है, उसने एक प्लेयर को तो डाउन दिया लेकिन पीछे से उसको भी मार दिया। लेकिन अगर ये किल कंप्लीट कर देता तो गाइस हमारे पास एक पॉइंट आ जाता, और अगर हम तीनों इसको मार देते पूरी टीम को, तो हमारे पास चार पॉइंट आ जाते। लेकिन अभी कोई डरने वाली बात नहीं है गाइस,
यहाँ पर जो हमारा प्लेयर नंबर 2 है, देखो इसके पास टोकन हो चुके हैं, अब ये इजिली मुझे रिवाइव दे देगा। आप देख सकते हो इसमें कोई भी रिस्क नहीं था, आराम से इसने मुझे रिवाइव दिया। मैं यहाँ पर हैंगर की तरफ जाऊंगा क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं उतरा था, वहां से मैं टोकन कलेक्ट करूंगा, फिर मैं वो टोकन इसको दोबारा दूंगा और ये वहां से वेंडिंग मशीन से रिवाइव कर देगा। तो हमारे चारों के जो चारों प्लेयर होते हैं वो रिवाइव हो जाते हैं। सो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी यूज कैसे होती है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो ही आप यूज करना, और अगर आपको लगता है कि आप रिवाइव दे सकते हो, जोन के बाहर रह सकते हो और थोड़ी बहुत लूट में लड़ सकते हो तो ही करना, अदरवाइज ये वाली स्ट्रेटेजी यूज मत करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने अपने चारों प्लेयर को रिवाइव भी दे दिया है और 7 प्लेयर बचे हैं और हमारा यहाँ पर बहुत इजीली भुया हो जाता है। ये हम कई मैचेस में यूज करते हैं और ये हम तब यूज करते हैं गाइस जब हमें पॉइंट ज्यादा चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किल निकाल सके। ऐसे हम किल ज्यादा निकाल सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आपका प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा हो तो आप पहले ही जोन में जाके बैठे, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैच नंबर 2 गाइस, ये मैच नंबर 2 है। यहाँ पर भी यही होता है, मैं अपने एक प्लेयर को जो प्लेयर नंबर 2 है उसको माउंट विला भेज देता हूँ और हम यहाँ पर फोर्ज में जाते हैं, वहां पर जाके हम फाइट लेते हैं एक टीम के साथ। गाइस ये सेम स्ट्रेटेजी है जो मैंने पिछले मैच में यूज करी। अब मेरी तरफ यहाँ पर 2 एनिमीज आते हैं और मैं उन दोनों को डाउन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि 2 पॉइंट तो मुझे यहीं पे मिल गए, लेकिन मेरे 2 प्लेयर जो है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तो सेम स्ट्रेटेजी वही होती है, हमारा जो प्लेयर था गाइस जिसको हमने सेफ एरिया में भेजा था वो उन दोनों को रिवाइव कर देता है और यहाँ पर हम दोबारा से फाइट लेते हैं। गाइस इससे हमें ये फायदा होता है कि हमारे किल पॉइंट बहुत आ जाते हैं। और गाइस एक और बात बोल देता हूँ मैं आपको, उन 3 प्लेयर को ऐसे भेजना ताकि वो 3 प्लेयर कम से कम उनको खत्म करके आ जाएं, या खत्म नहीं भी कर सके तो उनके कम से कम 2 से 3 बंदे तो मार आए ताकि आपको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तो आराम से मिल जाए, और रिवाइव होने के बाद आप 2-4 किल और कर दो तो आपके 6-7 पॉइंट तो सिर्फ किल के ही हो जाए। सो गाइस ये थी आज की स्ट्रेटेजी, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो एक बार इसको टूर्नामेंट में यूज करना, मैं तो इसको टूर्नामेंट में यूज करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप भी इसको यूज करें और कम से कम 5 से 7 किल तो आपके आराम से इजिली इस स्ट्रेटेजी में हो सकते हैं। एंड गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे ऐसे ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे साइलेंट गेमिंग FF की तरफ से आएगी, जो की थी कि गाइस स्प्लिट स्ट्रेटेजी करें, 4-मैन स्ट्रेटेजी करें, या चारों एक साथ रहें प्लेयर टूर्नामेंट के अंदर, तो इसकी वीडियो मैं अगली निकालने वाला हूँ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना है, हम लाइक एम रखते हैं कम से कम 20K का। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड गाइस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो, एक बार चेक कर लो, अगर आपकी नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट नहीं है तो ऑल पे सेट कर लो। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और गाइस ऐसे ही मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहो।